उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी की बुलडोजर कार्रवाई पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी बसे बसाए घरों को गिराकर सुख पाती है, घर गिराना राजनीतिक क्रूरता की हद है। गिरते घर के साथ बीजेपी और भी नीचे गिर जाती है। बीजेपी ने कई लोगों को बेघर कर दिया है। सपा चीफ ने कहा कि फरुखाबाद के अमृतपुर के उखरा गांव में सालों से बसे 25 गरीब परिवारों के घर पर बुलडोजर चलाकर बीजेपी ने ना जाने कितने बड़े बूढ़ों, बीमार बच्चों, माताओं, बहनों, बेटियों को भरी बरसात में बेघर कर दिया है। अखिलेश यादव ने हाल ही में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था। सपा प्रमुख ने कहा था कि शीर्ष अदालत के सर्वोच्च आदेश ने बुलडोजर को ही नहीं बल्कि बुलडोजर का दुरुपयोग करने वालों की विध्वंस राजनीति को भी किनारे लगा दिया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि अब ना बुलडोजर चल पाएगा और ना उसको चलाने वाले, दोनों की पार्किंग का समय आ गया है। बुलडोजर एक्शन पर तमाम विपक्षी दलों ने निशाना साधा था और कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थीं। पिछले दिनों इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान सर्वोच्च अदालत ने सख्त लहजे में कहा था कि चाहे अपराधी कोई भी हो, किसी को घर तोड़ने का अधिकार नहीं है। इस मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी।